दिलीप, तू भी वही देख रहा है जो मैं देख रहा हूँ। हाँ यार, शराब के नशे में मुझे सब कुछ डबल डबल दिखता है। वो देख, दो दो दिख रही है। ओए लल्लू राम, तुझे डबल नहीं दिख रहा, वहाँ दो ही खड़ी हैं। अच्छा, हाँ दो खड़ी हैं। क्या बोल रहे हो यारो, रेस हो जाए। रेस? हाँ। मतलब विक्टोरिया रेस? अरे हाँ यार, कुछ लोग कार रेस करते हैं, कुछ लोग मोटरसाइकिल रेस करते हैं, हम लोग विक्टोरिया रेस करेंगे ना। लेकिन घोड़ा कहाँ से लाएंगे? घोड़ा है ना, एक घोड़ा ये और दूसरा घोड़ा तू। एक मिनट, पागल हो गया क्या? मैं घोड़ा वोड़ा नहीं बन रहा है। अरे देख, लेकिन तेरी शराब के पैसे मैंने दिए ना। अच्छा, तो अब घोड़ा बन। अरे यार, अब बन भी जाना घोड़ा। चल ठीक है, तू अपना भाई है, मैं जतिन का घोड़ा और मेरा घोड़ा ओम। चल चल गाँव के धन्नो, पुलिस आ गई बसंती। क्या हो रहा है ये? हाँ कुछ नहीं साहब, रेस लगा रहे थे। शराब पिए हुए हैं ये लोग। हवलदार, यस सर। सबको नीचे उतार दो। ए चला नीचे उतर, चल नीचे उतर। पता नहीं कहाँ कहाँ से शराब पी के आ जाते हैं। चलो लाइन में लगाओ। ए सीधा खड़ा रहे। ये विक्टोरिया कहाँ से ला रहे थे आप लोग? वहाँ से। हवलदार। जी सर। दोनों विक्टोरिया की जल्दी से जल्दी तलाशी लो। यस सर। जल्दी। ए हाथ ऊपर कर। साहब। क्या हुआ? साहब इधर आइए। क्या हुआ? हाँ? मॉर्निंग सर, इस विक्टोरिया में। लड़के कहाँ है जो ये विक्टोरिया भगा रहे थे? वो रहे सर, तो सामने। जी हाँ सर, काफी गहरे जख्म है। इंस्पेक्टर मधुर, हमें वो जगह देखनी है जहाँ से ये लड़के इस विक्टोरिया में बैठे हैं। सर, ये है विक्टोरिया का मालिक। तो तुम ही हो उस विक्टोरिया के मालिक? हाँ जी साहब। फिर तो लाश भी विक्टोरिया में तुम्हीं ने रखी होगी। नहीं सर, हमने कोई खून नहीं किया सर, हम तो सिर्फ मस्ती कर रहे थे सर। मस्ती कर रहे थे? फिर आपके नशे में धुत होकर रेस लगा रहे थे। तुम्हारे घर वालों को फोन करके बुलाओ, अगर ठिकाने आ जाएगी जल्दी। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए सर। सर हम लोग कसम खाते हैं, आजकल कभी भी शराब को हाथ नहीं लगा। मेहनत मजदूरी करके विक्टोरिया चला के पैसे कमाता हूँ, मैं गरीब जरूर हूँ पर गुनहगार नहीं। अच्छा ये बताओ कि विक्टोरिया तुम खड़ी कहाँ करते हो? साहब यहीं पे साहब। भैया जी साहब। लाश को ध्यान से देखो, आपने जो कोई लड़की को पहचानता है? नहीं सर,
हमने पहले कभी नहीं देखा इसको। अरे ध्यान से देखो पहले, डरो मत। नहीं सर। कल रात किसी आदमी को देखा था इस लाश को इस विक्टोरिया में रखते हुए? नहीं साहब, जाते समय मैंने विक्टोरिया के आसपास ऐसा कोई आदमी नहीं देखा। मुझे लगता है कि देर रात विक्टोरिया में लाश रखी गई होगी। अशोक, उन चार लड़कों को तुमने विक्टोरिया भगाते हुए कितने बजे पकड़ा है? करीब करीब रात 2:30 बजे की बात है। इन लोगों के नाम, एड्रेस और फोन नंबर ले लो, आप लोगों की जरूरत पड़ी तो फिर से बुला लेंगे। चलिए सब जाओ, चलिए। सर, लड़की का लाइसेंस मिला है, स्मृति नाम है सर इसका, वैशाली नगर में रहती है। स्मृति, वैशाली नगर। ये लाश 11 से 2:30 के बीच में रखी गई। मैंने सब जगह देख लिया, खून की एक बूंद तक नहीं। मतलब खून यहाँ पे नहीं बल्कि कहीं और किया गया है, क्योंकि अगर खूनी लाश को छुपाना चाहता था तो किसी सुनसान जगह पे क्यों नहीं छुपाया? लाश को विक्टोरिया में डालने का मतलब यह है कि लाश आसानी से दिख जाए। रे, इस जगह को अच्छी तरह से छान मारते हैं, अगर खून की बूंदें या खून का कोई निशान नहीं मिल रहा है तो कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर मिलेगी जो हमें खूनी तक पहुंचा सके। कागज का टुकड़ा मिला है, गाड़ी के नीचे पड़ा होता, इस पे खून लगा है। चड़ी, ये तो किसी वेले पार्किंग के टिकट है, और ये देखो इस पे कल की डेट लिखी हुई है। कहीं ये खून उस लड़की का तो नहीं है? हो सकता है चड़ी, ये विक्टोरिया वाले ने अपनी विक्टोरिया यहाँ पे पार्क की थी, राइट? हाँ, हो सकता है ये टिकट लाश रखते हुए खून की जेब में गिर गया होगा। हाँ सचिन, कुछ मिला? हाँ सर, ये वेले पार्किंग की फटी हुई टिकट मिली, हो सकता है उस खूनी की हो या फिर उस औरत की जिसका खून हुआ। एक काम करते हैं, आसपास जितने होटल्स हैं उन सब में जाके पता करते हैं कि ये पार्किंग टिकट कौन से होटल का है। और सचिन, तुम अभिजीत के साथ स्मृति के घर जाओ, शायद उसके घर वाले बता पाएं स्मृति का खून किसने किया। नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरी बेटी नहीं मर सकती। कह दीजिए ये झूठ है, ये झूठ नहीं है। एक माँ को उसकी बेटी की मौत की खबर सुना रहे हैं आप लोग। देखिए, हम आपसे वादा करते हैं, जिस किसी ने भी स्मृति का खून किया है हम लोग उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा के ही रहेंगे। उससे मेरी बेटी वापस तो नहीं आ जाएगी ना? स्मृति काम क्या करती थी? लोगों की शादियां करवाती थी वो। मतलब जो शादियों की तैयारियां करवाते हैं, ये वेडिंग प्लान? जी हाँ, इन दिनों बहुत बिजी रहती थी वो। कल रात भी शादी में गई थी वो। मुझे क्या पता था कि दूसरों के शादी करवाते करवाते मेरी बेटी की आरती उठेगी। कल रात स्मृति कहाँ गई? इंटरनेशनल होटल। सर, ये होटल तो उसी जगह के पास है जहाँ से हमें स्मृति की लाश मिली थी। अच्छा, आपको किसी पे शक है? ये उसी ने ही किया है, राजवीर ने ही किया है ये खून। ये राजवीर कौन है? राजवीर उसका दोस्त, बॉयफ्रेंड। अगर वो उसका दोस्त था तो फिर उसका खून क्यों करेगा वो? क्योंकि स्मृति उससे रिश्ता तोड़ना चाहती थी। रिश्ता तोड़ने की कोई खास वजह? ज्यादा तो नहीं जानती मैं, लेकिन कुछ दिनों से उन दोनों के बीच में झगड़े हो रहे थे, इसीलिए स्मृति ये रिश्ता तोड़ना चाहती थी। किस राजवीर का नंबर है आपके पास? हाँ काजल, पता चल गया कहाँ है वो? पूना से। ठीक है, मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन पर मिलता हूँ। क्या स्मृति जी का खून हो गया, ये आप क्या कह रहे हैं? जी हाँ, कल रात को, पर खून भी सीधा साधा नहीं है, काफी बेरहमी से खून किया गया। लेकिन सर, स्मृति तो इतनी प्यारी लड़की थी, उसका खून करने की कोई सोच भी कैसे सकता है? अब किसी ना तो किया है ना,
आपको किसी पे शक है? सर, स्मृति की ना तो किसी से लड़ाई थी और ना किसी से दुश्मनी। ये जरूर किसी गुंडे लफंगे का काम है। अच्छा, ये स्मृति कल रात को यहाँ से कितने बजे निकली थी? यही कोई 10:30 बजे। मैंने उससे कहा भी कि रात में होटल में रुक जाए, लेकिन वो कहने लगी कि मुझे घर पहुँचना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि घर जाना बहुत जरूरी है। अच्छा, यहाँ से अकेली गई थी या उनके साथ में कोई और भी था? सर, वो जब यहाँ से निकली तो अकेली थी। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ऐसा आदमी हो शादी में जो इस पे नजर रखे हुए था, और जैसे ही यहाँ से बाहर निकली वो भी उसके पीछे पीछे निकला। नहीं नहीं सर, यहाँ शादी में सब शरीफ घर के आए थे, उनमें से ऐसा कोई गिरावा काम नहीं करेगा। जब गिरने की नौबत आ जाए तो क्या शरीफ और क्या बदमाश। आप ये बताओ कि वो यहाँ से गई कैसे थी? कोई टैक्सी वगैरह की थी उन्होंने? सर, बस यही एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि जब स्मृति अपनी गाड़ी से यहाँ आई थी तो वापस अपनी गाड़ी से ही घर क्यों नहीं गई? वो अपनी गाड़ी लेके आई थी? हाँ सर। तो वो गाड़ी अभी है कहाँ? सर, वो गाड़ी तो अब तक हमारी पार्किंग में ही है। हमें वो कार देखनी है। रिक्शा कहाँ जाना है? बनी पार्क। चलो, मैं छोड़ता हूँ आपको बनी पार्क। आजा कर दिया, मुझे ले जाएगा आप। अरे, रिक्शा से अच्छी है मेरी गाड़ी। आजा, CID की गाड़ी है ना? क्या CID? लेकिन लेकिन मैंने क्या किया? स्मृति का खून। क्या स्मृति का खून हो गया? के अंदर और आसपास खून का कहीं नामो निशान है। इसका मतलब खून कहीं बाहर हुआ है। तो शादी के माहौल में इतने लोगों के बीच में खून करना जरा मुश्किल है। गाड़ी की चाबी देना जरा। सर, गाड़ी की चाबी तो कल ही मैंने उनके पास दे दी थी। लेकिन गाड़ी तो अब तक यही खड़ी है। सर, पता नहीं वो कार क्यों नहीं लेकर गई। स्मृति की लाश के पास हमें कार की चाबी नहीं मिली है। कितने बजे चाबी दी थी तुमने? कल रात 10:30-11:30 बजे। तुम्हें पक्का यकीन है कि वो यहाँ से कार लेके नहीं गई थी? सर, ठीक से कुछ याद नहीं, क्योंकि कल यहाँ पर शादी थी और बहुत सारी गाड़ियाँ आई और गई भी, तो कुछ पता ही नहीं चला। ये भी हो सकता सचिन कि स्मृति कार लेके यहाँ से गई हो और रास्ते में उसका खून हो गया हो। तो लेकिन खूनी खून करने के बाद गाड़ी को यहाँ पार्क करके इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा? ये बात भी है। अवधेश, ये लो गाड़ी की चाबी, रख लो। एक मिनट, तो चाबी देना। ये देखा, ये तो बिल्कुल तो वैसे ही पार्किंग टिकट है जैसे हमें स्मृति की लाश के पास से मिली। ये पार्किंग कार्ड तुमने स्मृति को दिया था? सर, हम स्मृति जी को टिकट देते ही नहीं थे। क्या बिना टिकट के वो पार्किंग करती थी यहाँ पे? सर, स्मृति जी तो हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर आया करती थी और वो तो हमारी मेंबर जैसी हो गई थी, तो उन्हें बार बार टिकट क्या देना? लेकिन मामला गड़बड़ है। तो पार्किंग टिकट हमें स्मृति की लाश के पास से मिला है, वो पार्किंग टिकट फिर खूनी का ही होगा। क्या बिगाड़ा था स्मृति ने तुम्हारा? क्यों मारा तुमने उसे? मैं स्मृति को क्यों मारूंगा? मैं तो उससे बहुत प्यार करता था। तुम उससे प्यार नहीं करते थे, इसीलिए मारा तुमने। नहीं सर, ऐसा नहीं है, मेरी बात का यकीन कीजिए। मैं इससे रिश्ता तोड़ना चाहती हूँ। आप क्या कह रहे हैं सर? आपसे किसने कहा ये सच है या नहीं? उसने घास नहीं डाली तो तुमने खून कर दिया उसका? नहीं सर, ये सच नहीं है। ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा झगड़ा होता था ना उसके साथ? अगर घर में दो बर्तन होंगे तो आवाज तो होगी ना सर। बर्तन एक दूसरे से टकराते आवाज करते हैं, मगर एक दूसरे का खून नहीं करते मिस्टर। किस बात को लेके झगड़े होते थे तुम्हारे? मुझे स्मृति का काम करना पसंद नहीं था। क्यों? वो देर रात तक लोगों की शादियों में रहती थी, वहां हजार तरह के लोगों के साथ उसका उठना बैठना था, वो सब मुझे अच्छा नहीं लगता था। तुम्हें भरोसा नहीं था उसके ऊपर, है ना? भरोसा था सर, लेकिन लेकिन क्या जरूरत थी उसे काम करने की जब मैं उसका खर्चा उठाने के लिए तैयार था? क्यों नहीं कर सकती थी वो काम? आजकल सारी लड़कियां काम करती है, क्या गलत है उसमें?
कल रात 1:30 बजे कहाँ थे तुम? पुणे में था। पुणे में किस लिए गए थे? मेरे दोस्त पीयूष की शादी थी। ठहरे कहाँ थे? होटल ब्लू माउंटेन। होटल ब्लू माउंटेन? इस होटल ब्लू माउंटेन से पता लगाओ, देखते हैं ये राजवीर कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ। यस सर। एक बात बताओ, जब तक कोई कस्टमर ये टिकट तुम्हें नहीं देता है, तुम गाड़ी नहीं ले जाने देते ना? नहीं ले जाने देते। और अगर ये पार्किंग टिकट खो जाए तो? सर, टिकट खो गया तो 2-3 सवाल पूछने के बाद हम उन्हें गाड़ी ले जाने देते हैं। ये बताओ कि कल रात में भी कोई ऐसा आदमी आया था जिसकी टिकट खो गई? हाँ सर, आया था, लेकिन उसका टिकट खो नहीं गया था, उसका टिकट नीचे से फटा हुआ था। तो फिर तुमने उसे कार ले जाने दी? हाँ सर। कौन सी कार थी? सर, लाल रंग की गाड़ी थी, मॉर्फियस ब्रांड की। ये आदमी कितने बजे आया था? तकरीबन रात के 1 बजे। सर, इसका मतलब है कि रात को 1 बजे तक सोनी की गाड़ी पार्किंग लॉट में खड़ी थी और स्मृति की कार भी वहीं पे खड़ी थी। हाँ सर, लेकिन ये दोनों होटल से निकले कैसे होंगे और गए कैसे होंगे? शायद टैक्सी में। मगर सचिन, टैक्सी में खून करना इतना आसान नहीं है। एक बात बताओ, जब वो आदमी यहाँ पे आया तब कुछ घबराया हुआ सा लग रहा था? नहीं सर, मैंने इतने गौर से देखा नहीं। अच्छा, पहचान सकते हो उसे? कल की तो बात है ना? हाँ, मेरे सामने अगर वो आ जाए तो मैं उसे पहचान लूंगा। वेरी गुड सचिन, उस आदमी का स्केच बनवा लो। ये है द इंटरनेशनल होटल और ये है विक्टोरिया जहाँ पे खड़ी थी, जहाँ हमें स्मृति की लाश मिली थी। दोनों जगह आसपास ही हैं, करीब 10 मिनट लगेंगे रात के वक्त इस होटल से यहाँ तक पहुँचने में। मतलब खून यहीं कहीं हुआ है, होटल से विक्टोरिया के बीच में, इस इलाके में। लगता तो यही है अभिजीत, अगर खूनी ने स्मृति का खून कहीं और दूसरे इलाके में किया होता तो लाश भी वहीं कहीं आसपास फेंक देता, दोबारा यहाँ ला के फेंकने का वो खतरा नहीं उठाता। ये बात तो है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से स्मृति का खून हुआ है 12:30-12:30 बजे के बीच में। मतलब लाश विक्टोरिया में 12:30 से 2:30 बजे के बीच में रखी गई है। और अगर स्मृति का खून इस इलाके में हुआ है तो किसी ऐसे कोने में हुआ होगा जो काफी सुनसान है, जहाँ पे लोग आते जाते नहीं है। तो एक काम करते हैं, इस इलाके में पता करते हैं ऐसी कौन सी सुनसान जगह है जहाँ पे कल 12:30-12:30 बजे के बीच में पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं हुई थी। फिर ये रहा उस खूनी का स्केच। वो पार्किंग अटेंडेंट कह रहा था कि यही वो आदमी है जो कल रात वो फटी हुई पार्किंग टिकट लेके इसके पास आया था। ओके, ये स्केच स्मृति की माँ को दिखाते हैं। पर सर, स्मृति की माँ को तो राजवीर पर शक है ना सर? राजवीर का कहना है कि जब स्मृति का खून हुआ वो पुणे में था, मैंने होटल ब्लू माउंटेन में चेक किया, वो सच कह रहा। हाँ डॉक्टर सलोंके। बॉस, ये है वो कार जहाँ पर स्मृति की लाश रखी गई, इस डिक्की में। ये क्या कह रहे हैं सलोंके साहब, स्मृति का खून उसकी अपनी गाड़ी में हुआ? बिल्कुल, खूनी ने खून करने के बाद इस कार को अच्छी तरह से साफ किया, लेकिन मैंने फिर भी इसमें कुछ खून के दाग निकाले लिए। जरा देना। ये देखो। तो इसका मतलब उस रात स्मृति अपनी ही गाड़ी में होटल से बाहर गई थी और फिर खूनी ने स्मृति का खून किया उसी की गाड़ी में और उसकी लाश को ले जाकर रख दिया उस विक्टोरिया में। बिल्कुल दया, लाश को डिकी में रखने के बाद खूनी ने कार को अच्छी तरह से साफ किया और दोबारा ले जाकर के खड़ी कर दी होटल इंटरनेशनल। और फिर वो आधी फटी हुई कार पार्किंग टिकट दिखाकर वो अपनी कार में बैठ के घर चला गया। नहीं सर, ये केस इतना सीधा नहीं। क्या मतलब? ये देखिए, कौन है ये? दीपू है सर, ये एक मुजरिम है जो 1 महीने पहले ही जेल से छूटा है। लेकिन दीपू का इस केस से क्या लेना देना है? लेना देना है, इस दीपू की उंगलियों के निशान हमें इस कार पर से मिले। क्या? स्मृति की कार में से दीपू की उंगलियों के निशान? मतलब स्मृति का खून दीपू ने किया? हो सकता है। देखो, दीपू को जेल से छूटे हुए 1 महीना हुआ है और इन दोनों भिखारियों का खून भी इसी 1 महीने के अंदर हुआ है। अगर स्मृति का खून दीपू ने किया है
तो फिर इस आदमी के पास वो फटा हुआ कार पार्किंग टिकट कहां से आया जिसपे स्मृति का खून लगा था? हाँ बेटे, अच्छा 12 से 1 के बीच में वो जगह सुनसान रहते हैं। ठीक है, ये तो व्योम है। आप जानती हैं सर? बहुत अच्छी तरह। जब हम नागपुर में रहते थे तब ये हमारा पड़ोसा रहता था। ये स्मृति का खून कैसे कर सकता है? ये तो स्मृति को अपनी बहन मानता था। देखिए, ये व्योम भी उसी होटल में ठहरा था जहाँ पे स्मृति थी, और हमेशा कह के जब स्मृति का खून हुआ ये आदमी उसके साथ में था। पर व्योम स्मृति का खून क्यों करेगा? अगर वो नागपुर से यहाँ आया था तो उसने हमें बताया क्यों नहीं? क्योंकि शायद वो खून करने के इरादे से यहाँ आया था। आपके पास इस व्योम का नंबर है क्या? एक मिनट। अरे एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर स्मृति का खून इस व्योम ने किया है तो फिर स्मृति की कार के अंदर दीपू की उंगलियों के निशान कहाँ से आए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दीपू और व्योम दोनों मिले हुए हैं? ये भी हो सकता है सचिन कि ये व्योम सिर्फ मिलने आया हो स्मृति से, और जब ये मिल के गया उस वक्त वहाँ पे दीपू आया हो और उसने स्मृति का खून कर दिया। ये है नंबर। सर, इसका नंबर तो बंद आ रहा है। फोन बंद आ रहा है मतलब मामला गड़बड़ है। ये वही जगह है जहाँ पे कल रात 12 से 1 बजे के बीच पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी। रात के वक्त बिल्कुल सुनसान रहता है इलाका। शायद स्मृति का खून यहीं पे हुआ है। बड़ी, पानी का नल। शायद खूनी ने अपनी गाड़ी यहीं पे धोई। एक काम करो बड़ी, गाड़ी में से स्प्रे लेके आना। स्प्रे क्यों? अगर खूनी ने अपनी कार को यहाँ पे धोई है तो खून के छींटे गाड़ी से उतर के जमीन पे गिरी। ये लीजिए सर। खून स्मृति का तो नहीं है? अब ये खून स्मृति का है या किसी और का तो डॉक्टर सालों के बता सकते हैं। अरे वो देखो, अधिकारियों से पूछते हैं, शायद इन लोगों ने देखा हो किसी को यहाँ गाड़ी धोते हुए। आप तेरे बच्चे खुश रहे? क्या खुश रहे, 1 रुपया देके गया। तू पागल हो गया क्या? पिटवाएगा? CID वाले हैं, अंदर कर देंगे। देखो, हम लोग जो कुछ पूछ रहे हैं उसका साफ साफ जवाब दोगे तो ये साहब आपको 500 रुपए देंगे। 500 रुपए मैं क्यों दूंगा? 500 रुपए साहब देगा ही। 500 रुपए देगा तो आप कुछ भी पूछे हम सब कुछ बताएगा साहब। ये बताओ, कल रात इस नल के पास 12 से 1 बजे के बीच में किसी आदमी को गाड़ी धोते हुए देखा था आप लोगों ने? साहब, रात को हम लोग नहीं रहते हैं, सरजूस होता है। सरजू कौन है? सरजू वो सिग्नल है साहब, उसको भीख मांगता हुआ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। चलो तुम ही करो, मैं क्या कहता हूँ। अरे सर, ये भी चलता हूँ आपके साथ। ये रुको। अरे सर, मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हो? सर, मेरे 500 रुपए सर। अरे तुझे 500 रुपए दूंगा ना तो तेरे साथ यहाँ बैठ के भीख मांगनी पड़ेगी, समझे? आजा आजा आजा।
क्या बात है सर? ये बता, कल 12 से 1 बजे के बीच रात उस म्युनिसिपैलिटी के नल के पास सो रहा था? हाँ सब सोया तो था, लेकिन वहाँ से थोड़ा दूर। अच्छा, वहाँ किसी को गाड़ी धोते हुए देखा था क्या तुमने? देखा था, हाँ सब देखा, दो लोग। जरा ये फोटो देख, ये था वो आदमी? पता नहीं साहब, उस वक्त सड़क पर लाइट नहीं जल रही थी, नहीं देख पाया। अच्छा, वो लोग आपस में क्या बात कर रहे थे, वो तो कुछ सुना होगा तुमने? सुना? हाँ सब सुना था, वो कुछ सिटी हॉस्पिटल कुछ बोल रहे थे। सिटी हॉस्पिटल, ठीक है, आसपास ही नजर आना, फिर आऊंगा। एक्सक्यूज मी, हम लोग CID से हैं। CID? हेलो, आई एम डॉक्टर श्याम, कुछ मदद कर सकता हूँ आपकी? जी हाँ, आप जरा ये फोटो देखिए, इस आदमी को यहाँ हॉस्पिटल में देखा था कुछ दिनों में? ये तो दीपू है। दीपू? आप जानते हैं दीपू को? बहुत अच्छी तरह से, आज सुबह ही मैंने इसका ऑपरेशन किया था, दिल का, आई मीन बाईपास सर्जरी। ये दीपू भाग के यहाँ आया अपनी बाईपास सर्जरी करवाने के लिए, स्मृति का खून करने के बाद? ये आप क्या कह रहे हैं सर, दीपू और किसी का खून कर सकता है? उसे इस हॉस्पिटल में जब लेकर आए थे वो तो ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था, वो किसी का खून कैसे कर सकता है? बड़ी अजीब बात है सर, अगर इस दीपू की हालत इतनी खराब थी तो वो परसों रात स्मृति के कार में क्या कर रहा था? ये दीपू को हॉस्पिटल कौन लेकर आया? उसका भाई लेकर आया था सर, व्योम। व्योम? तुम इस व्योम की बात कर रहे हो? हाँ सर, यही व्योम है। व्योम दीपू का भाई है, ये व्योम कहाँ है इस वक्त? फिलहाल तो वो यहाँ नहीं है सर, लेकिन शाम को शायद वो दीपू से मिलने आ जाए। अच्छा, तो क्या हम दीपू से मिल सकते हैं? जी, हमने इसे नींद का इंजेक्शन देकर सुलाया था, थोड़ी देर में उठ जाएगा। मैंने तो व्योम को एक साल पहले ही कहा था कि ऑपरेशन करवा लो, लेकिन नहीं, अगर ऑपरेशन पहले ही करवा लिया होता तो हालत इतनी नहीं बिगड़ती। सर, अगर दीपू की हालत इतनी खराब है तो खून व्योम ने किया होगा? अगर खून व्योम ने किया होता तो फिर वो दीपू को वहां पर लेके क्यों गया, और वो भी ऐसी हालत में जैसे डॉक्टर बता रहे हैं? व्योम ने खून नहीं किया। ये क्या कर रहे हैं आप, लेटे रहिए, अभी आप ठीक नहीं हैं। मुझे कहने दो, खून मैंने किया है, मुझे सजा काटनी है। दीपू, किसका खून किया तुमने? स्मृति का और दो भिखारियों का भी। डॉक्टर तो कह रहे कि तुम्हारे में उतनी ताकत भी नहीं है, तुम खड़े नहीं हो सकते, तो फिर खून किया कैसे? बस कर दिया। लाश को विक्टोरिया में कैसे डाला? कैसे मतलब उठा के डाला, और कैसे डालूंगा? मगर व्योम भी तो था ना तुम्हारे साथ। प्लीज मेरे भाई को इसमें मत घसीटो, मेरा भाई बेगुनाह है, ये खून मैंने किया है। बड़ी अजीब बात है, डॉक्टर साहब तो कह रहे कि तुम्हें ताकत नहीं है, तुम ठीक से खड़े नहीं हो सकते, फिर भी कह रहे हो कि तुमने खून किया। एक 50 किलो की लाश को तुमने खुद अकेले उठाकर विक्टोरिया में डाल दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने भाई व्योम को बचाने की कोशिश कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, ये खून मैंने किया है, व्योम बेकसूर है। डॉक्टर साहब, व्योम का नंबर दीजिए हमें। ये व्योम का मोबाइल इसी एरिया में कहीं है, इसी एरिया में। लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, दे आगे लेफ्ट टर्न लेना, ये है तो इसी एरिया में। अगले रुक तो रुको, यहीं पे कहीं आसपास है। वो देखिए, लाल रंग की मॉर्फिस गाड़ी, उस पार्किंग वाले ने यही बताई थी ना गाड़ी व्योम की? वही गाड़ी है,
क्या? वो देखो वो भी आ रहा है। हाँ हाँ अरे मैं आता हूँ ना दोपहर के भाई साहब। हाँ अरे अरे चले। अरे भाई कौन हो तुम? कौन हो? चलो बताता हूँ। अरे क्या चुपचाप बैठ गाड़ी के अंदर? अरे पर अरे मैंने क्या किया? अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अरे अरे भाई कौन हो तुम? चुपचाप बैठ अंदर। गलती होगी मुझसे। फोन करने के बाद कह रहा है कि गलती हो गई। हाँ स्मृति को क्यों मारा था तुमने? वो तुम्हारी बहन जैसी थी ना? बहन जैसी थी ना? बहन तो नहीं थी। जी चाहता है कि तुम्हारे गर्दन को रस्सी की तरह मरोड़ दूँ। मारा क्यों उसे? पता नहीं अचानक मुझे क्या हो जाता है, मेरे हाथ खून करने के लिए तड़पने लगते हैं। मतलब ये सारे खून और भिखारियों को भी? उनको भी मैंने मारा। क्या करूं, मेरे अंदर एक आग सी लग जाती है। जब तक किसी को मारना लूं ये शांत नहीं होती। तुमने स्मृति का खून कहां पे किया? उसकी कार में। उसकी कार तो वहां पार्किंग में खड़ी थी। हम उसकी कार में बाहर गए, वहां मैंने उसका खून किया, फिर उसकी लाश को विक्टोरिया में डाल दिया और उसकी कार को साफ किया और लाकर पार्किंग में खड़ी कर दी और अपनी कार से मैं वापस चला गया। उस रात तुम अकेले थे या तुम्हारे साथ कोई और भी था? मैं बिल्कुल अकेला था। और दीपू नहीं था तुम्हारे साथ? दीपू? आप उसे कैसे जानते? मेरा भाई है ना? जी मेरा भाई है। हमें सब मालूम है। उसका कुछ लेना देना नहीं है इससे। लेना देना है, है लेना देना। अगर दीपू तुम्हारे साथ में नहीं था उससे तो उसके उंगलियों के निशान स्मृति के कार में कहां से आए? कहां से आए? पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन दीपू ने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया मैंने किया था, मैंने किया। आप मेरी बात का यकीन करो, मैंने किया। ये व्योम झूठ बोल रहा है। सारी कहानी दिमाग में रख के रखी है, तोते की जैसे बोले जा रहा है। ये दोनों भाई एक दूसरे को बचाने में लगे हुए सर। सच क्या है, दोनों में से कोई भी बोलने को राजी नहीं है। काम करो, इस व्योम की पूरी कुंडली निकालो। ये करता क्या है, किस किस से मिलता है, इसके दोस्त कौन है, यहाँ तक कि इसके बैंक के अकाउंट की डिटेल्स सब कुछ निकालो। सर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि अगर दीपू की तबीयत इतनी खराब थी तो उसने ऑपरेशन पहले क्यों नहीं करवाया? वही तो, जेल से छूटे हुए भी उसे एक महीना हो गया है, उसी समय ऑपरेशन करा लेना चाहिए था। अभिजीत ऑपरेशन तो तब कराएगा जब उसके पास पैसे होंगे। ये दोनों व्योम और दीपू दोनों कंगाल थे। कंगाल क्या? हाँ, ये व्योम के बैंक अकाउंट के डिटेल्स हैं। दीपू के ऑपरेशन का खर्चा 8 लाख रुपए है, जबकि उसके अकाउंट में पिछले 3 साल में 25,000 से ज्यादा बैंक बैलेंस था ही। तो फिर इतना महंगा ऑपरेशन दीपू ने करवाया कैसे? यही तो हैरानी की बात है। ये व्योम नागपुर में 10,000 रुपए की एक मामूली सी नौकरी करता था और एक महीने पहले उसने वो नौकरी भी छोड़ दी। इसलिए चक्कर क्या है? ये दीपू 1 महीने पहले जेल से रिहा हुआ और 1 महीने पहले ही व्योम ने अपनी नौकरी छोड़ दी। ये दोनों भाइयों को अचानक लॉटरी वॉटरी लग गई क्या? एक ने नौकरी छोड़ दी, दूसरे ने ऑपरेशन करवा लिया। अभिजीत या तो लॉटरी लग गई है या फिर किसी ने ढेर सारे पैसे दिए होंगे स्मृति का खून करने के लिए। और तो और 15,000 रुपए उसके अकाउंट में थे व्योम के, उसने वो भी दीपू के नाम कर दिए। और उसके गांव में एक बंजर जमीन थी 25-30,000 रुपए के होंगे, वो भी उसने दीपू के नाम कर दिए। अच्छा अच्छा, तो ये चक्कर है। सचिन कोई अपना सब कुछ किसी के नाम कब करता है? जब वो अपनी वसीयत बदल रहा होता है या फिर जब उसे अंदाजा हो जाता है कि उसका टाइम आ गया है। मतलब व्योम पहले से ही जेल जाने की तैयारी करके बैठा है। तभी तो वो तोते की तरह फटाफट अपना जुर्म कबूल कर बैठा।
सबके पीछे कुछ गहरा राज है दया, कोई और है सबके पीछे, पर कौन वो भी पता चल जाएगा। मेरे पास एक प्लान है। किससे जुड़ू? अरे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, एक्सक्यूज मी, मेरे भाई की जान बहुत खतरे में, मोबाइल दो ना, एक फोन करना है मुझे, प्लीज प्लीज भाई साहब, प्लीज प्लीज, थैंक यू भाई। हेलो, हेलो डॉक्टर श्याम, व्योम, दीपू की तबीयत कैसी है? दीपू का किसी ने खून कर दिया है। वो कैसे? उसका किसी ने गला काट दिया है, हाथ पर चाकू मारा गया है और पांव पर भी चाकू के निशान है। वो ऐसा नहीं कर सकता, उसने मुझसे वादा किया था वो मेरे दीपू को कुछ नहीं करेगा। मुझे तुमसे अभी मिलना है। क्या? मैं व्योम। मैं नहीं मिलना चाहता तुमसे। देखो, अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगे तो मैं सीआईडी को सब कुछ सच सच बता दूंगा कि ये सब तुमने किया है। अच्छा ठीक है ठीक है, कहाँ मिलोगे? नारीमन पॉइंट के डेडलाइन पे। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? ताकि तेरा खून कर सकूं। ये क्या बकवास कर रहे हो? नशे में हो क्या? नशा सवार है मेरे सर पे, मौत का। बता, क्यों मारा तूने मेरे भाई दीपू को? क्या? दीपू मर गया? बहुत भोले बनते हो तुम। पहले मेरे भाई दीपू को मार दिया और अब मुझसे पूछते हो कि दीपू मर गया क्या? क्यों? मैं क्यों मारूंगा दीपू को? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब मैंने तुम्हारे जुर्म का इल्जाम अपने सर पर ले लिया तो फिर तुमने मेरे भाई दीपू को क्यों मारा? क्यों मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया तुमने? क्यों? मैंने कोई धोखा नहीं किया है। मुझे लग रहा है किसी की चाल है। बात समझने की कोशिश करो। सीआईडी वाले, हॉस्पिटल वाले भला मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? क्या तुमने सीआईडी को सब कुछ बता दिया? अभी तक तो नहीं, पर अब मैं सीआईडी वालों को सब कुछ सच सच बता दूंगा। अगर जिंदा रहोगे तब ना। ओ, तो तुम हो। चल, चल। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ना इसको सर, इसने मेरे भाई का खून किया। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक है। ये तो हम लोगों ने नाटक किया था तुम्हें छोड़ने का, ताकि तुम खूनी के पास जाओ और उसका पर्दाफाश हो सके। मैंने कहा था ना, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो। मेरा भाई जिंदा है। हाँ, ऐसे कैसे छोड़ दें राजवीर बाबू? पहले ससुराल चल के जरा खातिरदारी तो करवा लो। हाँ, मैंने भिखारियों को मारा था। पर क्यों? मेरे अंदर एक आग है, एक ऐसी आग जो तब तक ठंडी नहीं होती जब तक किसी को मार ना दूं। ये कैसी आग है? तुम एक मानसिक रोगी हो, मेंटल पेशेंट। स्मृति भी यही कहती थी, वो चाहती थी मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूं। पर तुम्हें ये मंजूर नहीं था, इसलिए तुमने स्मृति का खून कर दिया। स्मृति को मैंने नहीं मारा, व्योम ने मारा है। मैंने तो इन दोनों भाइयों को 8 लाख की सुपारी दी थी स्मृति का खून करने के लिए। तो तुमने और तुम्हारे भाई दीपू ने मिलकर स्मृति का खून कर दिया? दीपू ने कुछ नहीं किया, खून मैंने किया। दीपू तो बस मेरे साथ था और विक्टोरिया में लाश भी मैंने ही रखी थी। मगर तुमने व्योम और दीपू को ही क्यों चुना? कुछ दिन पहले व्योम आया था स्मृति से पैसे उधार मांगने के लिए, लेकिन उस समय स्मृति के पास इतने रुपए नहीं थे तो मैंने सोचा क्यों ना व्योम की मजबूरी का फायदा उठाया जाए। इसलिए तुमने इसे पैसों का लालच दिया, ताकि ना सिर्फ ये स्मृति का खून कर दे
बल्कि उन भिखारियों की मौत का इल्जाम भी अपने सर पे ले ले। क्यों? हाँ, लेकिन मुझे क्या पता था तुम सीआईडी वाले बाल की खाल निकाल दोगे। व्योम ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया था, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मुझे फंसा ही दिया। जिस तरह काले बादल सूरज की रोशनी को छुपा नहीं सकते, उसी तरह जुर्म के बादल इंसाफ की रोशनी पे पर्दा नहीं डाल सकते। तुम लोगों को फांसी होगी, फांसी।